मेरा नाम ऋतिक, आप देख रहे हैं आर्य मोटो ब्लॉग। तो भाई लोग कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो बहुत सारा बिजी काम था, प्राइवेट जॉब भी खोज रहा था, कहीं माइनिंग में हो जाता तो बहुत 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 मज़ा आ जाता, पर वैसा कुछ नहीं हुआ है। एक छोटा सा जगह मैं जॉब लगा है जिसमें 6,000 रुपये मिलता है। अब मैं उसके बारे में अभी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि अभी नया नया हूँ तो खास वैसा काम भी नहीं। तो भाई यहाँ देखो, वो सब बात छोड़ो, वैसे यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअली में ये पुराना ही वीडियो है पर मैं इसमें वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में फाइनल ड्राइव टूट चुका है, फाइनल ड्राइव वो भी सॉवेल का। तो देख सकते हो भाई वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है मतलब काम चल रहा है। यहाँ पे जो खड़ा है वो सैमुअल मुंडा है, तुम मास्क लगाए जिसको देख रहे हो, वो बहुत मेहनती है भाई। आईटीआई का बंदा है, वो भी इलेक्ट्रिशियन से या मैकेनिक से है, तो बहुत काम करता है। एक नॉर्मल आईटीआई बंदा नहीं काम करता है इतना। तुम कोई भी हिस्ट्री देख लो, मतलब आज भी अगर कमल सर से कोई जाके पूछे कि सबसे ज़्यादा काम करने वाला बंदा कौन है और ड्यूटी में आने वाला, तो हम ही दोनों का नाम आएगा। वैसे मैं अपने तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, मेरा उतना नाम नहीं है, पर सैमुअल का हमेशा नाम रहा है क्योंकि उसको बहुत काम मिलता था। और भाई आईटीआई का बंदा काम करता था क्योंकि इसको पैसा कमाना नहीं, इसको काम सीखना था। और बहुत कोई तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हाजिरी बना के गायब भी हो जाता था बहुत कोई। नहीं वो चीज़ नहीं बोलते, वो चीज़ छोड़ देते हैं, वो एक सीक्रेट ही रहने दो। वो तुम अगर कभी अप्रेंटिसशिप करते हो या ट्रेनिंग करते हो तो तुमको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे फाइनल ड्राइव टूट चुका है, अंदर का एक गियर भी टूट चुका है, उसी को निकालने के लिए उसको मेल्ट किया जा रहा है। और अगर वो नहीं निकलता है तो काट के निकाला जाएगा, पर यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि निकल जाएगा क्योंकि हाई वोल्टेज वाला वेल्डिंग यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली में जो अभी वेल्डिंग कर रहे हैं, अब हम तुमको दिखाते हैं कि फाइनल ड्राइव है किधर और कैसे टूटा है, वो सब बात में करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, तुम अगर देख पा रहे हो तो गियर ऐसे टूट गया है, मतलब एकदम अलग हो गया फाइनल ड्राइव, अंदर से ही टूटा हुआ है। उधर जो गोल वाला देख रहे हो तो ये सारा व्हील है, तो भाई यही है। और इसका टूटा हुआ पार्ट मैं दिखा देता हूँ, टूटा हुआ पार्ट इधर ही कहीं होगा। किधर है भाई, किधर है ये देख लो, पूरा व्हील है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे मैं तो कैमरा छुपा के ही रखता हूँ हमेशा। तो भाई साहब अब हमको माइंस पे जाने नहीं मिलता है, पर फाइनल ड्राइव हम दिखाते। तो गाइज यहाँ पे देखो, सैमुअल और एक आदमी जो सीसीएल में परमानेंट जॉब पे है, वो एक्चुअली में पकड़ के रखे हैं कि वो निकल जाए जो टूटा हुआ पार्ट है। बहुत मेहनत किया जाता है सीसीएल में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, कभी कभी इतना वर्कलोड हेवी हो जाता है। और डकरा में दो ही सॉवेल है जो निकालता है कोयला, और दो एलएनटी है, एक इलेक्ट्रिकल एलएनटी है और एक क्या बोलते हैं डीजल एलएनटी है। तो ये चार मशीन मिलके दो ओबी निकालता है, दो कोयला निकालता है। ओबी मतलब हो गया कि कोयला के ऊपर जो मिट्टी जमी हुई है, या फिर कोयला मिलने से पहले बहुत सारा मिट्टी निकालना पड़ता है, उसके बाद कोयला निकलता है। कोई भी चीज़ इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, लाइक अ KGF2, तो समझ सकते हो तुम। तो भाई इसको निकालने में बहुत मेहनत है, अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। कमल सर आ जाएंगे तो हमको यहाँ से हटना पड़ेगा, और हटना पड़ेगा तो हमको जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा सेक्शन में सॉवेल आता नहीं है। सॉवेल दिनेश में क्या बोलते हो उसको, चंदन में आता है, हाँ चंदन में आता है। भाई देखो क्या फ्लेम निकल रहा है भाई, मेरे फ्लेम तो समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लेम ही फ्लेम है हर जगह। तो भाई हम इतना हेवी वर्कलोड कभी नहीं किए हैं, मतलब मेरा हिम्मत नहीं है भाई। और वो सर ग्लव्स व्लव्स करके, मतलब सेफ्टी लिया जाता है पर तुम अगर बोला जाओ तो उतना सेफ्टी भी नहीं है कि तुम, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि तुम संभाल के रखो। ये सब 2022 का ही वीडियो है अगर मानो तो, अगर तुम वहाँ पर्सनली जाके देखोगे या देख सकते हो, मतलब कभी हुआ तो। मेरे साथ तो बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारा गायब भी हो गया है वीडियो, पर हम कोशिश करेंगे जितना हमको मिल सकेगा हम करेंगे।
और बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, उसका भी कोई रीजन है। तो वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, और अगर कुछ नया होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे कमल सर आने ही वाले हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सटक लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हटेंगे तो ही ठीक रहेगा। कमल सर तो बहुत अच्छे हैं, पर ठाकुर सर ठीक नहीं हैं। उनको वो मेरे बारे में फिर मेरे को क्लास लेने लगेंगे, बताओ ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है। तो कभी कभी हम भी मतलब कोई इंटरव्यू जब लेता है तो तुम कंफ्यूज कैसे हो जाते हो, उसी टाइप का हो जाते हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत देर तक चलने वाला है, शाम का 6-7 बज जाएगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।